मोसलेला और मोसले एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने वाले हैं कि मोसलेला क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, आखिर में मोसले ने एक्सपेरिमेंट किया क्यों, उसका इतिहास क्या है और बोर का क्या कंट्रीब्यूशन है मोसलेला में, और लास्ट में आपको ये बताएंगे कि मोसलेला के बेनिफिट्स क्या हैं, इस ला के बाद हमने पीरियड टेबल में आखिर में क्या सुधार किए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोसलेला क्या होता है। मोसलेला एक प्रकार का रिलेशन है एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे में, जिसका फार्मूला होता है अंडर रूट वी इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में जेड माइनस बी, जहां पर वी फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है, जेड एटॉमिक नंबर और ए एंड बी कांस्टेंट नंबर है। बात करें मोसले ने आखिर में एक्सपेरिमेंट किया क्यों, बात है सन 1913 और 14 की, जब मोसले पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक उनका देख रहे थे, तो वो एक प्लाट डायग्राम प्लाट ड्रा किए, जिसमें सभी एलिमेंट को बारी बारी उनके पीरियोडिक नंबर के हिसाब से उनका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट किया जा रहा था। तो उन्होंने एक ग्राफ पे प्लॉट जब ड्रा किया तो वो पाए कि एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो उन्होंने कुछ मतलब ऐसा सोचा कि इन सभी एलिमेंट में कुछ ना कुछ तो कॉमन चीजें हैं, या किसी कोई ना कोई ऐसा चीज आ रहा है जिससे एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो बाद में उन्होंने उस क्वांटिटी को आइडेंटिफाई किया कि ये प्रोटॉन है और उसको एटॉमिक नंबर नाम दिया। बात करें 1913 और 14 की, तो उस समय पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से देखे जाते थे और बनाए जाते थे, जिसमें बहुत सारे विसंगतियां और हमें उसमें रॉन्ग चीजें मिलती थी। कई चीजें ऐसी थी जो हमारे एलिमेंट मतलब सेम प्रॉपर्टी नहीं दे पाते थे, या कौन सा एलिमेंट पहले हो कौन सा एलिमेंट बाद में हो ये नहीं पता चल पाता था। तो मोसले ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब चीजों को रखा गया पीरियोडिक टेबल में, तो उन सभी विसंगतियों को उन सभी गलतियों को हमने पाया कि वो सभी गलतियां खत्म हो जा रही थी, ज्यादातर गलतियां खत्म हो जा रही थी, और एटॉमिक नंबर कैसे कैसे रखना है उसका भी सलूशन हमें मिल गया। बात करें बोर ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया मोसलेला में, तो जो फार्मूला होता है बोर का डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी रिलीज्ड का जो फार्मूला होता है, उस जब बोर ने मोसलेला को इसमें पुट किया तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू आर इंटू सी इंटू एच ब्रैकेट में जेड माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट में 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, जहां पर N1 इक्वल टू 1 है और N2 इक्वल टू 2 है, जहां पर A इक्वल टू अंडर रूट 3/4 RC आ रहा था और B एक कांस्टेंट हो रहा था। बात करें मोसले के ला से हमें क्या बेनिफिट हुआ, तो मोसले के ला से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हुआ कि जो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किए जाते थे वो अब एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किए जाने लगे। बात करें पहले वाले पीरियोडिक टेबल में जिसमें बहुत ढेर सारी विसंगतियां प्राप्त होती थी, वो सभी विसंगतियां या गलतियां हमने एटॉमिक नंबर वाले पीरियोडिक टेबल से दूर किया। बात करें उसके अगले बेनिफिट की, तो कई सारे ऐसे एलिमेंट की हमने खोज की बाय द हेल्प ऑफ मोसले एक्सपेरिमेंट। तो थैंक यू।